हेलो चिल्ड्रेन, आज मैं आपको एंट बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए 2 स्पून, ये प्लास्टिक का, एक बिग और एक स्मॉल साइज का, इलेक्ट्रिक वायर ब्लैक कलर का, ये मैंने कलर लिया है फेविक्रिल का, एक्रेलिक कलर, फेविकॉल ब्रश, गुगली आईज और सीजर। आइए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कलर लेकर, ब्लैक कलर, इसके ऊपर कलर करना है। ये मैंने अंदर की तरफ कलर किया है। इस तरह से पूरे स्पून पे कलर करना है। अगर आपको ब्लैक कलर का स्पून मिल जाता है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर इसको ब्लैक करना पड़ेगा। और ये बड़े वाले स्पून को भी ब्लैक करना है इसके ऊपर से, और फिर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद फिर बनाएंगे। ये स्पून ड्राई हो चुका है, अब इसको बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले ये बड़े वाले स्पून को ऊपर रखना है और छोटे वाले को नीचे, और इलेक्ट्रिक वायर को करीब 3 इंच में कट करना है। इस साइज में आपको इस तरह का 3 चाहिए। ये सीजर से आसानी से कट हो जाएगा इस तरह से। कट करने के बाद इसको आप ऐसे नॉट बना लें। और ऐसे स्पून के अंदर और स्मॉल वाले स्पून के अंदर ऐसे डाल के इसको नॉट को टाइट करेंगे इस तरह से, और इसमें जो 2 और वायर है उसको भी लगाएंगे। ये देखिए, ये मैंने वायर को यहाँ पे टाइट कर दिया है, तीनों वायर को। अब इसमें गुगली आईज लगाएंगे, इस पे ग्लू लगा के। इसके बड़े वाले स्पून के ऊपर में ऐसे पेस्ट करेंगे। ये देखिए, आपका एंट बन चुका है। कितनी जल्दी और कितनी आसानी से बना है, आप भी इसे बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।